हिमाचल प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही कई IAS और HAS अफसर स्थानांतरित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला पहुंचते ही इस बाबत सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ जिला उपायुक्तों सहित कुछ विभागाध्यक्षों के बदले जाने की अटकलें हैं। विधानसभा के बजट सत्र और नगर निगम शिमला चुनाव के चलते बीते 2 महीने से ये कवायद लंबित है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से अभी तक उच्च अधिकारियों के महकमों में हल्के फेरबदल हुए हैं। सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर और सोलन जिला के उपायुक्तों को कांग्रेस सरकार बदल चुकी है। मंडी, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और ऊना जिला में अभी पूर्व सरकार के समय नियुक्त किए गए उपायुक्त ही सेवाएं दे रहे हैं। आगामी तबादला सूची में इन 5 जिलों के उपायुक्तों को बदले जाने की संभावना है। इसके अलावा कई विभागाध्यक्षों को भी बदलने की चर्चा है। सरकार ने अभी तक बड़े स्तर पर उपमंडल अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य सचिवालय में सेवाएं देने वाले IAS और HAS अफसरों के महकमों में भी फेरबदल होने के आसार हैं। संभावित है कि 1 सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत फैसला लिया जा सकता है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही कई IAS और HAS अफसर स्थानांतरित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला पहुंचते ही इस बाबत सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ जिला उपायुक्तों सहित कुछ विभागाध्यक्षों के बदले जाने की अटकलें हैं। विधानसभा के बजट सत्र और नगर निगम शिमला चुनाव के चलते बीते 2 महीने से ये कवायद लंबित है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से अभी तक उच्च अधिकारियों के महकमों में हल्के फेरबदल हुए हैं। सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर और सोलन जिला के उपायुक्तों को कांग्रेस सरकार बदल चुकी है। मंडी, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और ऊना जिला में अभी पूर्व सरकार के समय नियुक्त किए गए उपायुक्त ही सेवाएं दे रहे हैं। आगामी तबादला सूची में इन 5 जिलों के उपायुक्तों को बदले जाने की संभावना है। इसके अलावा कई विभागाध्यक्षों को भी बदलने की चर्चा है। सरकार ने अभी तक बड़े स्तर पर उपमंडल अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य सचिवालय में सेवाएं देने वाले IAS और HAS अफसरों के महकमों में भी फेरबदल होने के आसार हैं। संभावित है कि 1 सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।